हाय एवरीवन, आज हम लोग बनाएंगे नारियल की चटनी विदाउट नारियल। तो ये बहुत इजी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कटोरी से थोड़ा सा कम कोकोनट का बुरादा, इसे डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं, और 4 क्लोव्स हमें गार्लिक चाहिए, एक स्ट्रैंड हमें कड़ी पत्ता चाहिए, धनिया चाहिए, हींग चाहिए, और नमक मसाले जो हमारे पास होते हैं वो चाहिए, और नींबू चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें कोकोनट डालना है मिक्सी में, उसके साथ ही हमें धनिया डालना है अपना, फिर हमें गार्लिक डालना है, अदरक डालनी है, मिर्ची आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने 2 हरी मिर्च डाली है इसमें। अब मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है, साथ ही साथ मैं अब इसमें डालूँगी 1 स्पून नमक, नमक भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये भुना हुआ जीरे का पाउडर, दैट्स इट। अब हम इसको एक बार, और थोड़ी सी हींग डाल देंगे हम इसमें, और उसके बाद हम इसको एक बार चर्न कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, तो ये चटनी हमारी कुछ ऐसे दिख रही है। और अब लास्ट स्टेप जो हमारा है, उसमें मैं इसमें नींबू डाल दूँगी। ये पूरा 1 नींबू मैंने लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, खट्टापन आपको कितना पसंद है यू हैव टू डिसाइड। सो गाइज, इट इज़ रेडी। अब हम इसको किसी चीज़ में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सो गाइज, इट इज़ रेडी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, और हमें बिना फ्रेश कोकोनट के चटनी मिल गई है। तो आप लोग भी बनाइए, ट्राई करिए। टिल देन, बाय।